हाय दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूँ प्लांट इनोवेशन चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने टॉप 5 इंडोर प्लांट दिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले ये है। इसका नाम फिनॉक्स पाम है। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल अभी ड्राई है, तो इसको ऐसी सॉइल चाहिए, इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। तो ये आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। इसको बस रोशनी चाहिए होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी रोशनी बहुत सही रहती है इसके लिए। और सेकंड नंबर में मैं दिखाता हूँ ये रहा, इसको तो मैंने आपको कैरी भी बता रखी है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, तो इसको भी इतनी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों के पास छत नहीं होती, टेरेस नहीं होता, तो उनके लिए सही रहता है प्लांट। और इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रख देंगे तो ये ग्रो होने में प्रॉब्लम कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ अभी हल्की सी है, क्योंकि अभी ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। तो अभी मार्च चल रहा है, तो अब ग्रोथ पे आएगा। तो अब तीसरे नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा ये मनी प्लांट है। आप देख सकते हैं अब ये ग्रोथ कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी नई ग्रोथ है, आपको दिख रहा होगा ये नया लीव है। तो मैं इसकी एक और ग्रोथ दिखाता हूँ साइड में से, आप देखिए ये यहाँ से भी ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए यहाँ से भी ग्रोथ कर रहा है अच्छी चीज़। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा रहता है, ये विंडोर आप लगा सकते हैं, ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसके कलर, मनी प्लांट भी दो तीन तरह के आते हैं, एक तो मार्बल क्वीन मनी प्लांट होता है, और एक ये मनी प्लांट होता है, और एक पूरा ग्रीन होता है, उसमें शेड नहीं होता। मार्बल क्वीन मनी प्लांट में जो आप देखिए देख सकते हैं इसका वाइट कलर है, तो उसमें वाइट ज़्यादा होता है, ग्रीन कम होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जब मैं उसे बाय करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अब ये एक और ये इंडोर प्लांट है, आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। ये भी आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, तो इसको भी ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब ये आता है पाँचवें नंबर पे, ये स्नेक प्लांट है, आप तो जानते ही होंगे, इसके मैं केयर भी बता रखी है आपको। तो ये बहुत अच्छा प्लांट रहता है, ये आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये और एयर प्योरीफायर भी है, बहुत अच्छा रहता है ये प्लांट। इसकी सॉइल भी अभी ड्राई है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए दोस्तों, ते ये क्रिसमस ट्री की ग्रोथ अच्छी चल रही है, पहले बहुत छोटा सा था, अभी बड़ा हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे ये टॉप 5 इंडोर प्लांट हैं, ये देखिए और ये देखिए। तो आपको इंडोर प्लांट भी रखने चाहिए अपने गार्डन में, तो भी सही रहते हैं। तो अभी मेरे पास ये अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको ये दिखा दिए, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो गर्मियों में प्रॉब्लम होती है सॉइल जो होती है प्लांट की, पॉट की सॉइल जो होती है वो ड्राई होने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो उसके लिए आप मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग में जो गेहूं होता है, वीट गेहूं होता है, जब उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जो उसकी स्टेम होती है सूखी वही होती है, वो यूज़ करते हैं मल्चिंग में, उसे पीस कर देते हैं और उसको आप पॉट पर बिछा दें, तो उससे जो मॉइस्चर होता है सॉइल का वो जल्दी उड़ता नहीं, और प्लांट को भी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है गर्मियों में। अगर आपके पास मल्च वो नहीं है, वीट नहीं है, गेहूं नहीं है, तो आप इसमें कोकोपीट जो होती है, जो कटिंग लगाने में सीडिंग करने में यूज़ होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कोकोपीट यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, गेहूं की स्टेम जो होती है, तो मैं इस पर कोकोपीट भी छा दूंगा।
तो ये पूरे कवर कर दूंगा मैं उससे, तो उससे भी नमी रहती है, तो भी सॉइल की जो नमी होती है वो जल्दी ड्राई नहीं होगी और सॉइल भी सही रहेगी, आपका प्लांट भी खुश रहेगा। तो दोस्तों एक और चीज़ होती है जो आप मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो जूट की बोरी होती है, आप उसको सर्कल में काट के अपने पॉट पे बिछा दें, उससे भी जल्दी से सॉइल ड्राई नहीं होती। तो यही है टिप्स समर की जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। जब सूरज की धूप पड़ ली हो और तब पानी डाल लिया तो प्लांट को भी बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी रूट बर्न हो जाती हैं, और अब सन बर्न का भी टाइम आ गया है, क्योंकि अब सन बर्न भी होने लगेगा ज़्यादा धूप से, गर्मी में ये भी परेशानी होती है। तो बस दोस्तों आप देखिए कि मेरा स्नोक फार्म है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, आप इसमें बनाना फिल फर्टिलाइज़र डालिए वो भी अच्छा रहता है, मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैं अब बनाऊंगा उसे दोबारा। तो बस दोस्तों मुझे आपको आज ही अपने टॉप 5 प्लांट दिखाने थे, तो आज के लिए इतना ही दिखाना था मुझे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, कुछ लोग बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिलता, इसलिए आप बेल आइकन भी दबाए करें, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तो बस दोस्तों मुझे आज यही बताना था, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए प्लांट के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।